मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले में आकस्मिक दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिसके तहत कलेक्टर डोमन सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी कामकाज की समीक्षा के लिए जिलों का दौरा शुरू कर दिया गया। कलेक्टर ने मैदानी अमले की मुख्यालय में नियमित उपस्थिति, राशन दुकानों का बेहतर संचालन, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुविधाएं, धनवंतरी मेडिकल स्टोर का संचालन सहित सभी शासकीय कामकाज में कसावट लाने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी गोठानों में शत प्रतिशत बोरवेल कराने, पंप लगाने, गोबर खरीदी, वर्मी टैंक बनाने, वर्मी कंपोस्ट बनाने, शेड निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने वन कृषि उद्यानिकी विभाग से वर्मी कंपोस्ट का उठाव कराने और नियमित भुगतान कराने को कहा है। गोठानों में आजीविका केंद्र के तहत विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने विभिन्न समाजों की ओर से की गई भूमि मांग और मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप भूमि चिन्हित करने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जन चौपालों में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण समय सीमा के अंदर करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी गण और विकासखंड मुख्यालय से वर्चुअल तरीके से सभी SDM CEO और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।